हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन कुमार। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी लवर्स की पाठशाला। डियर फ्रेंड्स, आज है संडे और कोशिश थी कि संडे में आपको कुछ स्पेशल दिया जाए, तो आपके लिए एक 125 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट तैयार करना था, लेकिन आज घर के कामों में कुछ ज़्यादा बिजी हो गए तो इसलिए समय नहीं मिल पाया। अपने इस वीडियो में हम आपके साथ में 20 कॉमन बट मोस्ट इम्पोर्टेंट मिस स्पेल को शामिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखने के बाद में हमें कमेंट करके बताना कि आपने 20 में से कितने करेक्ट किए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दो दोस्तों के साथ में इसे शेयर ज़रूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली जो स्पेलिंग है वो है शाम। अब शाम की करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। शाम का अर्थ होता है गीत या धार्मिक गीत या भजन। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए PHYSALM, ऑप्शन टू PYSALM, ऑप्शन थ्री PSALM और ऑप्शन फोर PSELM। सो गाइस, यदि आपने ऑप्शन नंबर थ्री को पिक किया है PSALM, शाम, शाम की करेक्ट स्पेलिंग होती है PSALM, शाम। शाम में होता है भजन या गीत। नेक्स्ट स्पेलिंग है पायस। पायस का हिंदी मीनिंग होता है धार्मिक। सो फ्रेंड्स, पायस की करेक्ट स्पेलिंग आपको फाइंड करनी है। और दोस्तों, पायस की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर फोर PIOUS, पायस। दोस्तों, बहुत ही अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीन या स्पेलिंग नंबर तीन होगी मिनिएचर। मिनिएचर, तो फ्रेंड्स, मिनिएचर की करेक्ट स्पेलिंग, मिनिएचर के यदि हिंदी की बात करें तो इसका अर्थ होता है लघु या छोटा करना। ठीक है, तो मिनी की स्पेलिंग सभी को याद होगी, मिनी 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 मिनी, यहाँ तक यानी सब कुछ ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, अब देखिए, इसको याद करने के लिए आपको मैं छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, आपको केवल उसको रिलेट करना है। तो मिनी के बाद में आप पढ़िए नेचर, NATURE, नेचर। तो नेचर में N के बाद में A आता है। अब यहाँ पर I के बाद में, अब थोड़ी देर के लिए आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर N नहीं है, तो यहाँ पर E है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर T है डायरेक्ट, ये भी गलत हो जाएगा, और यहाँ पर भी E है, ये भी गलत हो जाएगा। सो गाइस, करेक्ट स्पेलिंग मिनिएचर की हो जाएगी ऑप्शन नंबर वन MINIATURE, कोरोबरेट। बहुत ही अच्छी स्पेलिंग है, और इस स्पेलिंग को दोस्तों हमने जो A to Z सीरीज थी उसमें सी वाले पार्ट में शामिल भी किया था। ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर थ्री और ऑप्शन नंबर फोर। देखिए, कोरोबरेट में सबसे पहले आपको देखना है कि COR होता है। अब RR यहाँ है और यहाँ है, तो ये गलत हो गया आपका और ये गलत हो गया। अब सही मीनिंग फाइंड करना है। कोरोबरेट, कोरोबरेट या कोरोबुरेट, फ्रेंड्स कोरोबुरेट नहीं होता है, कोरोबरेट होता है। तो ऑप्शन नंबर टू सही हो जाएगा, COROBORATE। इसको लर्न करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, इसको याद कर सकते हैं, कोरोबोरेट, कोरोबोरेट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड होगा बटालियन। इस वर्ड को भी हमने अपने बी सीरीज में शामिल किया था और यहाँ पर आपको एक टेस्ट के रूप में दिया गया है बटालियन की करेक्ट स्पेलिंग। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी ट्रिक याद है, आपको ट्रिक दी थी हमने बट्टा और प्लस लायन, तो क्या हो जाएगा बटालियन। अब बट्टा प्लस लायन कहाँ मिलना है आपको, तो गाइस बट्टा प्लस लायन जो मिलेगा आपको वो मिलेगा ऑप्शन नंबर तीन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीन बट्टा BATT, बट्टा और प्लस लायन। अगर आप इस तरह से वर्ड्स को किसी भी कीवर्ड से रिलेट करके चलेंगे तो आपको लर्न करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। दोस्तों, गैरुलस, गैरुलस, गैरुलस का हिंदी मीनिंग होता है बातूनी। तो गैरुलस की करेक्ट स्पेलिंग, गैरुलस में डबल आ रहा है तो ये अपने आप में गलत हो गया। देखिए, गैरुलस होता है, गैरुलर्स नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब देखना है आपको कि कौन कौन से ऑप्शन आपके सामने बचे हैं। तो फ्रेंड्स, गैरुलस, गैरुलस, गैरुलस नहीं, ये भी गलत है। तो GARR
GARRULOUS, गैरुलस, गैरुलस यानी कि बहुत ज़्यादा बात करने वाला या वाली। नेक्स्ट वर्ड होगा अर्थेनवेयर, मिट्टी के बर्तन। क्लियर फ्रेंड्स, तो अर्थ की स्पेलिंग सभी को याद होगी, और जब हम उससे एडजेक्टिव बनाते हैं तो उसमें en ऐड करते हैं, यहाँ पर an ऐड है तो ये नहीं होगा। और वेयर की स्पेलिंग W A R E, तो WARE केवल हमको एक ही ऑप्शन में मिल रहा है और वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो अर्थेनवेयर सबसे पहले आपको करना है अर्थ की स्पेलिंग याद, और उससे जब हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो उसमें en जोड़ते हैं, और वेयर की स्पेलिंग आप सबको पता है। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड ओसिलेट। सो फ्रेंड्स, इसको याद करना है ओसिलेट। ओसिलेट मीन्स होता है हिचकिचाना, अपनी बात को कहने में संकोच करना, ठीक है। तो ओसिलेट में डबल एल होता है, ये ध्यान रखना। सो गाइस, इसको याद कर सकते हैं आप OSCIL, ओसिल लेट, यानी कह सकते हैं कि ओसिल किसी लड़की का नाम है और उससे कहा कि आपने ओसिल आप लेट हो, ओसिल आप लेट हो, यानी ओसिल के लिए आप एक एल अलग से लगाएंगे और लेट में आप एक एल सेपरेटली अलग से लगाएंगे। तो आपने कहा उस लड़की से ओसिल आप लेट हो, तो ये हो जाएगा ओसिल लेट। नेक्स्ट वर्ड होगा पेबल्स। तो पेबल्स में दोस्तों डबल बी होता है, डबल एल नहीं होता है, और डबल बी यहाँ पर है और डबल बी यहाँ पर है, तो ये दोनों गलत हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। अब पी ई डबल बी और डायरेक्ट एस नहीं होता है, ई एस होता है पेबल्स, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड होगा प्रोपोगेंडा। बहुत आम शब्द है दोस्तों प्रोपोगेंडा। तो फ्रेंड्स, प्रोपोगेंडा की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है ऑप्शन नंबर 2, ये ध्यान रखना। पहले प्रो की स्पेलिंग सबको याद होगी, यहाँ तक तो सब कर लेंगे। अब ये याद रखना कि पी के बाद में जो सेकंड पी आता है उसके बाद में ए है, और फिर जी के बाद भी ए है, ठीक है। प्रोपोगेंडा मीन्स जो झूठे वादे होते हैं एक तरीके से, वो हम कह सकते हैं अपनी बात का झूठा प्रचार प्रसार करना, उसको प्रोपोगेंडा कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो मीनिंग होगा बहुत ही अच्छा मीनिंग है एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया मीन्स होता है चेतन शून्य या भाव शून्य, एनेस्थेसिया की करेक्ट स्पेलिंग होगी। तो फ्रेंड्स, एनेस्थेसिया में ANESTHESIA, ठीक है, पहले ANA आना और फिर ईस्ट जैसा साउंड आपको बीच में मिलेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट ई नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसलिए ANESTHESIA, इस स्पेलिंग को आप करेक्ट कर लीजिए। और अपनी जो ए सी थी हमने उसमें बताया था कि ये ऑक्सफोर्ड के अनुसार है, और ये जो सेकंड नंबर पर आप देख रहे हैं ये स्पेलिंग दोस्तों ब्रिटिश के अनुसार है, ठीक है। ब्रिटिश में ये है और ऑक्सफोर्ड में ये है। अगर आपको ये वाली स्पेलिंग देता है तो तब तो आपको इसके साथ में जाना ही जाना है, और यदि ये वाली स्पेलिंग नहीं देता है तो फिर आप इसके साथ भी जा सकते हैं। डीफॉरेस्टेशन यानी वनों का कटाव, वनों का क्षरण। तो डी सबको पता है, डी लगने से कोई भी जो वर्ड है वो नेगेटिव बन जाता है। अब आपको देखनी है फॉरेस्ट की स्पेलिंग FOREST, फॉरेस्ट, और टेशन, इसी टी को हम दो बार बोलेंगे, अलग से टी नहीं लगाएंगे, डीफॉरेस्टेशन, ठीक है, डीफॉरेस्टेशन, यही स्पेलिंग आपकी करेक्ट हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड होगा वैक्यूम। बहुत ही कॉमन वर्ड है वैक्यूम, मीन्स खाली स्थान या हवा। तो वैक्यूम की स्पेलिंग में आपको देखना है कि फ्रेंड्स डबल सी आता है या डबल यू आता है, डबल सी आता है या डबल यू आता है, डबल सी नहीं डबल यू होता है, तो VACWUM वैक्यूम। नेक्स्ट वर्ड होगा कैंसल्ड। कैंसल से बना है CANCEL,
CENCEL, कैंसिल की स्पेलिंग सभी को पता है। तो गाइस जब हम कैंसिल में इसका पास्ट बनाते हैं, इसको एडजेक्टिव या इसका पास्ट फॉर्म बनाते हैं, तब इसमें एल जो है वो डबल हो जाता है, ठीक है। अब जैसा कि कैंसिल की स्पेलिंग सभी को पता चल गई है, कैंसिल, तो इसी में कैंसल्ड, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, कैंसल, CENCELED, कैंसल्ड। नेक्स्ट वर्ड होगा डिक्शनरी, बहुत ही कॉमन शब्द है डिक्शनरी। डिक्शन की स्पेलिंग DICTION, डिक्शन, और उसमें जोड़ना है आपको ARY, ठीक है, ना उसमें ERY आएगा ना ORY आएगा, ठीक है। तो और यहाँ पर IAN करके दिया हुआ है, तो IAN भी नहीं आएगा, ION आएगा, DICTION, डिक्शन और अरी, डिक्शनरी, क्लियर, तब बनेगा ये डिक्शनरी। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हेवनली, हेवनली यानी कि देवी है, गॉडेस, ठीक है फ्रेंड्स। तो हेवन की स्पेलिंग सबसे पहले देखते हैं, HEAVEN, सभी को याद होगी। अब इसी में हमको LY ऐड करना है, हेवनली, करेक्ट। तो करेक्ट स्पेलिंग देखे लेते हैं कहाँ मिलेगी, ऑप्शन नंबर 3 में HEAVEN, हेवनली, ठीक है। हेवन लिखना है, हेवन की स्पेलिंग सभी कर लेंगे और उसमें केवल LY ऐड करना है। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन, बहुत ही अच्छा शब्द है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में HAE होता है, HAE होता है, MOGLOBIN, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन, पहली स्पेलिंग सही हो जाएगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर भी ये जो स्पेलिंग है ये ऑक्सफोर्ड के अनुसार है, और जो सेकंड नंबर पर, सॉरी थर्ड नंबर पर आप स्पेलिंग देख रहे होंगे HEMOGLOBIN, हीमोग्लोबिन, ये फ्रेंड्स ब्रिटिश के अनुसार है। लेकिन फ्रेंड्स आपके मन में एक सवाल यहाँ से आ रहा होगा कि सर यदि दोनों स्पेलिंग साथ देता है तो फिर हमें को किसके साथ में जाना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, फिर आपको ऑक्सफोर्ड वाली स्पेलिंग के साथ में जाना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड होगा गॉर्जियस, गॉर्जियस मीन्स बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुहावना, ये कहें कि वंडरफुल, ब्यूटीफुल, चार्मिंग कह सकते हैं, ठीक है, प्लेजेंट भी कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो गॉर्जियस मिस हमने बता दिए इसके सिनोनिम्स, अब सही स्पेलिंग आपको देखनी है। तो गॉर्जियस में, सो गाइस अगर गॉर्जियस की हम बात करें तो गॉर्जियस में बाद में OUS होता है, ठीक है, OUS या बोले तो EOUS होता है। अब यहाँ पर AOUS है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर IOUS है तो ये भी गलत हो जाएगा, और यहाँ पर EAUS है तो ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी गॉर्जियस, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट जिराफ, जिराफ बहुत ही अच्छी स्पेलिंग है जिराफ, GIRAFFE, GRIAFFE और GRAFFE और GIRAFFE, विच वन इज करेक्ट, सो लेट्स द मैच विद द करेक्ट आंसर, एंड करेक्ट आंसर विल बी जिराफ, GIRAFFE, GIRAFFE, जिराफ। एंड नेक्स्ट वन इज गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजी, और फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर गायनेकोलॉजी, और इसकी करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी GYNAECOLOGY, और ये स्पेलिंग भी ऑक्सफोर्ड के अनुसार है। एक स्पेलिंग और होती है ऑप्शन नंबर 2 में देख रहे होंगे, गायनेकोलॉजी, ये ब्रिटिश के अनुसार है। इन स्पेलिंग को भी कई बार पूछा गया है, तो दोस्तों इन स्पेलिंग्स में हम अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो वही एकमात्र सजेशन मेरा आपके लिए रहेगा कि अगर दोनों स्पेलिंग को साथ देता है तो आपको ऑक्सफोर्ड वाली स्पेलिंग के साथ में जाना है, ब्रिटिश के साथ में नहीं जाना है, और यदि ऑक्सफोर्ड की स्पेलिंग नहीं देता है तब आपको ब्रिटिश वाली स्पेलिंग के साथ में जाना है। क्लियर फ्रेंड्स, तो इस सेशन में इतना ही, और अगर इस सेशन आपको अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।